जिन चीजों से आप घर का बना पका खाना चाहते हो उस चीजों से अगर ट्रेन में इच्छा करी तो आमलेट और चिकन चिल्ली के अलावा कुछ हाथ में आने वाला नहीं है बंधु। शर्म आनी चाहिए। और आजकल तो एक नया स्टैंडर्ड चल गया है। क्या अभी मैंने देखा, किसी ने कल मुझे बताया कि आजकल ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो प्योर वेजिटेबल हैं और वेजिटेबल ट्रीज से निकले हुए हैं और वो टेस्ट देते हैं मीट के जैसा। मतलब आप उसमें उस चावल को, उस पदार्थ को खा रहे हैं, कंपनी है और बना रही है और मार्केट में आ गया है कि खाने पर आपको वो मांस का स्वाद देगा, चिकन का स्वाद देगा, किसी और गंदे पदार्थ का स्वाद देगा और है प्योर वेजिटेबल। किसके लिए बनाया? शाकाहारी लोगों के लिए? नहीं, मांसाहारी लोगों के लिए। मांसाहारी लोगों को इसकी जरूरत ही नहीं। आगे चल के इन्हीं जैन समाज के लोग इस तरीके का पैकेट धीरे धीरे घर के अंदर ला करके उसके टेस्ट के अनुभव करना सीख जाएंगे और फिर धीरे से बोलेंगे जब डुप्लीकेट में इतना है तो ओरिजिनल का खा करके देखते हैं और कौम बदलती चली जाएगी। आगे आने वाले समय में अगर इस चीजों में बैन नहीं लगाया गया, आगे आने समय में जैन समाज जो आज श्वेतांबर दिगंबर में बटी है, 13 पंथी 20 पंथी में बटी है, अब एक और समाज में बिखराव होने वाला है, वेजिटेरियन जैन्स का और नॉन वेजिटेरियन जैन्स का। फिर लोग बोलेंगे कौन से जैन हो भाई? बोले महाराज जी प्योर वेजिटेरियन जैन्स हम। महाराज जी थोड़ा बहुत चलता है। जब हम बिलासपुर अकलतरा में थे तो उड़ीसा संबलपुर से एक जैन परिवार आया, एक ही जैन परिवार था उड़ीसा का। वो कहता है महाराज जी अंडा तो शाकाहारी है ना, भैयावती कर रहा है हमारी, नमोकान मंत्र पढ़ता है, पूजा करके आया, अंडा शाकाहारी कहता है। हमने कहा तुम जैन हो? हम वीर सागर जी, विशाल सागर जी सब बैठे थे। तुम जैन हो? हाँ महाराज जी जैन है, अंडा शाकाहारी होता है ऐसा हमने पढ़ा है और सुना है। अब क्या करे, कल आहार दान देना है आपको। हमने कहा खबरदार दूर रहो, घुस मत जाना चौके के अंदर तुम। ऐसे भी अब लोग मिलने लगेंगे बंधुओं। इन सब चीजों से अपने परिवार की सुरक्षा करो, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, अपान मयानंतो अन्नप्यम चाविस जो आयानंतो कह हो दिसम्मदिट्ठी जीवा जीवे आयानंतो। वो आदमी धार्मिक बन के क्या करेगा, वो आदमी साधु बन के भी क्या करेगा जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, वो आदमी साधु बनके धार्मिक बनके क्या करेगा जो जीव और अजीव में भेद करना नहीं जानता, उस आदमी के मुनि बनने से क्या मतलब है। कह हो दिसम्मदिट्ठी जीवा जीवे आयानंतो। गुरुदेव कुंद कुंद स्वामी कहते हैं जब उसको जीव और अजीव में भेद पता नहीं है, अपनी आत्मा और दूसरी आत्मा में वो पराई बुद्धि रखता है, वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो कैसे सकता है। आप सम्यक दृष्टि बने ऐसी भावना रखता हूं, आपका घर पवित्र बने ऐसी भी भावना रखता हूं।